चितेरी का जो बनाने की प्रक्रिया है वो हर शुभ अवसरों पे बनाई जाती है, आम लोगों के घरों में दीवार पे उसका अंकन करते हैं। और इससे हमें एक ये भी चीज़ें दिखती हैं कि जो लोक कला है किस तरह से हमारी खुशियों में शामिल होती है। इसके बारे में ये है कि जब मंडप के पहले माता पूजन होती है उस दिन बनवा लिया जाता है, इसको सुबह ही बनवा दिया जाता है। इससे ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पर लड़के की शादी है। अगर लड़के का पहले नाम लिखा है तो लड़के की शादी, अगर लड़की का लिखा होगा तो लड़की की शादी इस घर से हो रही है। इससे पहले टिपाई करते हैं अपन लोग, टिपाई के बाद फिर कलर भरे जाते हैं, फिर खुलाई होती है। मुझे अपने जितने भी शहर में मतलब ये शुभ कार्य होते हैं ना तो बनाए जाते हैं, शादी विवाह में मुख्य बनते हैं। जैसे कि गणेश जी कलश वाली और गेट पर बेल बनाते हैं, शुभ विवाह नाम सेनाई वाली। पहले ग्योरी वगैरह से बनते थे, ग्योरी नील ठीक है ना, और ये सरेज वगैरह चूना। अब क्या है कि जो कलर आते हैं सूखे तो अपन इन्हें घोलते हैं, फेविकोल से बनाते हैं। जब आप चितेरी का फॉर्म देखेंगे तो सबसे पहले जो सपाट रंगों को यूज़ किया जाता है, उसके बाद जब कलर सारे फिक्स हो जाते हैं तो ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग से सारी आकृतियों को उभारा जाता है। तो यानी कि यहाँ पे हम स्टेप उल्टा लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि पहले हम स्केच करते हैं फिर हम रंग भरते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पहले हम रंग भरते हैं और फिर आउटलाइन करके उसको स्केच का के थ्रू दिखाते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो ये पैटर्न ही बुंदेली शैली चितेरी की जो है वो विशेषता है। चितेरी बहुत ही प्राचीन कला यहाँ की है और ये काफी प्रचारित रही थी और ये काफी यहाँ के लोगों का जुड़ाव रहा था, लेकिन धीरे धीरे संरक्षण न मिलने की वजह से या और वैकल्पिक कलाएं आ जाने की वजह से ये विलुप्ति के कागार पर पहुंच गई। तो इस विलुप्त होती कला को बचाने के लिए हम लोगों ने एक योजना प्रारंभ की कि सबसे पहले जो चितेरी के कलाकार थे उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि लोग कहाँ हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 5 परिवार ऐसे बचे हैं कि जो चितेरी आर्ट का काम अभी कर रहे हैं, बाकी और लोग जो थे उन्होंने रोजगार के साधन इसमें परफेक्ट न होने की वजह से अन्य व्यवसाय और धंधों को अपना लिया। तो हम लोगों ने जो सबसे पहला काम ये किया है कि जो लोग इस कला को छोड़कर अन्य धंधे और व्यवसाय में चले गए हैं उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाना। इसके अलावा जो लोग बचे हुए हैं उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना ताकि वो अपनी कला को वहाँ पर प्रदर्शित कर सकें। हम इसे लुप्त नहीं हुआ इसलिए कर रहे हैं, मतलब देश की लोक कला है ना अपनी।